हेलो दोस्तों, दोस्तों एजुकेशन में आप सबों का स्वागत है। और आज का वीडियो पैरोल का लास्ट वीडियो होने वाला है और इसमें हम लोग सीखने वाले हैं सैलरी डिटेल्स के बारे में, अटेंडेंस के बारे में और एम्प्लॉय को सैलरी देने के बारे में। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे फर्स्ट क्या करना है, स्टार्ट बटन में आना है और आपको टाइप करना है टैली। जैसे आप टैली खोल लेते हैं, खोलने के बाद जाना है ऑल्ट के साथ F3। ऑल्ट F3 जैसे जाते हैं तो आपको जाना है सिलेक्ट कंपनी में। सिलेक्ट कंपनी में जैसे जाना है, फिर आपको वो कंपनी का नाम ले लेना है जो आप कंपनी बना चुके हैं। जैसे हम बनाए थे दोस्ताना एजुकेशन, कितना था फोल्डर नंबर था 206, तो 206 हम लोग ले लेंगे। लेने के बाद क्या करेंगे, हम लोग आ जाएंगे पीछे। अब देखिए, हम लोग बनाए थे पिछले क्लास में पेहेड तक। पेहेड बनाने के बाद आता है अगला स्टेप सैलरी डिटेल्स। अब बोलिएगा सर सैलरी डिटेल्स क्या होता है। सैलरी डिटेल्स एक ऐसा चार्ट होता है जिससे रेडी किया जाता है और एम्प्लॉय को बताया जाता है कि आपको ये चीज मिलेगा। आप एग्री है तो एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप उसमें बोल सकते हैं कि आने जाने का खर्चा आपको इतना ही देंगे, ठीक है, रूम रेंट आपको इतना ही देंगे, महीना का वेतन आपको इतना ही देंगे, ये सब आप चार्ट एक बना सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सैलरी डिटेल्स। देखिए क्या करना है, आपको आना है सिंपल पेरोल इन्फो में और आने के बाद आपको जाना है यहाँ पर सैलरी डिटेल्स में। जैसे सैलरी डिटेल्स जाते हैं उसके देखिए डिस्प्ले में जाइएगा तो दिखाई देगा आपको कितना क्या क्या है। इसके बाद आपको सिंपल जाना है क्रिएट में और क्रिएट में जाने के बाद आपको टाइप करना है क्या, जैसे हम ले रहे हैं एडीसीए। एडीसीए लेने के बाद ये तारीख देखना है आपको कि कौन सा तारीख से आप सैलरी डिटेल्स बना रहे हैं। बेसिक में कुछ नहीं पूछा। देखिए डीए में भी आपको क्या कर रहा है कुछ नहीं पूछा, लेकिन एचआरए में पूछ लिया। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि यहाँ लिया हुआ है फ्लैट रेट। फ्लैट रेट का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा वेतन जो सबके लिए एक जैसा होता है, तो फ्लैट रेट में आपको पूछ लिया। तो हम डाल देते हैं 1200 रुपया जो होगा वो फ्लैट रेट में सबको दिया जाएगा। इसके बाद ले लिया एमए मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस में देखिए कुछ नहीं पूछा, लेकिन जैसे हम ओवर टाइम लेंगे तो ओवर टाइम पूछेगा। क्यों पूछा सर ओवर टाइम में, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है ऑन प्रोडक्शन, उत्पादन पर निर्भर करेगा, इसलिए ये पूछ लिया कि क्या रेट देना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डाल दें सर उत्पादन जो होगा 30 रुपया पर घंटा के हिसाब से देंगे। इसके बाद टीए आने जाने खर्चा क्यों पूछा, क्योंकि फ्लैट रेट लिया हुआ इसलिए पूछ लिया कि फ्लैट रेट में किस टाइप का वेतन। तो हम बोल दें आने जाने खर्चा जो होगा वो 1200 रुपया आपको देंगे या फिर 1000 रुपया देंगे। पीएफ नहीं पूछा। देखिए अब यहाँ पर कौन कौन सा चीज पूछे, एज यूजर पर डिपेंड, हम चेहरा के हिसाब से देंगे, देख के देंगे कि वो कैसा लड़का है, कैसा काम कर रहा है, उसके हिसाब से। एस कॉम्पिटेट वैल्यू क्यों नहीं पूछा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जैसे आप बेसिक तनख्वाह डालिएगा तो उसके हिसाब से डायरेक्ट सेट कर लेगा, इसके लिए इसमें कुछ नहीं पूछा। इसके बाद देखिए अगला जो है वो फ्लैट रेट में पूछ लिया कि सबको एक जैसा वेतन देना है, इसलिए पूछ लिया। इसके बाद इसको एक्सेप्ट करना है। जैसे एक्सेप्ट करते हैं इसके बाद आपको आना है एडीसीए वाले आदमी में। जैसे एडीसीए वाला आदमी में आते हैं, एंटर करते तो एक ऑप्शन आता है कॉपी फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू, मतलब एक लिस्ट जो हम लोग रेडी किए वही लिस्ट इसको मिलेगा। एक्सेप्ट कर लिए, एंटर करके एक्सेप्ट। इसके बाद आपको सिंपल जाना है फिर डीसीए में। डीसीए में जाके वही काम करना है, अब स्पीड में हम कर लेते हैं। ये चार्ट हम रेडी कर लिए। अब जैसे डीसीए वाला आदमी आएगा तो डीसीए वाला आदमी ये वाला है, तो इंटर जैसे करेंगे कॉपी का ऑप्शन आएगा, फिर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर हम लोग जाएंगे कहां पर डीटीपी में, और डीटीपी में जाने के बाद फिर से वही चार्ट निकालेंगे। अब जाएंगे डीटीपी वाला आदमी में जो कि ये है, और इसको कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद जाएंगे और एक बचा हुआ टेली, टेली को निकाल लेते हैं।
या आपको चार्ट खुद से रेडी करना है, ऐसा नहीं कि इतना ही डाल सकते, आप क्या अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब देखिए सीताई तो सीता नहीं, यहाँ पर आया था गीता, तो गीता में रेली में कौन है, सॉरी हम टेली में एडमिशन करना ही भूल गए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट वाला में हम लोग कर लेते हैं। देखिए हम टेली में भूल गए थे, टेली में वैसा कुछ है नहीं कि हम किसमें क्या करेंगे, देखिए हम पहले देख लेते कहां पर है, तो ये रांची में है टेली, ठीक है। तो हम लोग सिंपल जाएंगे पैरोल इन्फो में, एम्प्लॉय में जाएंगे, और एम्प्लॉय में जाने के बाद क्या करना, क्रिएट, क्रिएट जैसे करेंगे हम लोग यहां से ले लेंगे कहां पर, रांची, रांची लेने के बाद लिख लेते नाम कुछ भी, सृष्टि टेली ज्वाइनिंग डेट, इसका सिंपल इसको एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्ट करने के बाद क्या करना है, आपको सिंपल जाना है यहाँ पर, और जाने के बाद सैलरी डिटेल्स में जाना है, क्रिएट करना है, और जैसे सृष्टि में आप क्लिक करते हैं, इंटर करते हैं, कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, फिर एक्सेप्ट करना है, यह हो गया सैलरी डिटेल्स। सैलरी डिटेल्स के बाद अगला स्टेप क्या होता है, आएंगे हम लोग कहाँ पर, पेरोल वाउचर में। पेरोल वाउचर जैसे आते हैं तो पहले लेना होता है F2 करके डेट, फिलहाल हम अप्रैल से बना रहे हैं इसलिए 1/4/23 ले लिए। अब आपको यहाँ अटेंडेंस बनाना है, तो अटेंडेंस हम दबाएंगे कंट्रोल के साथ F5, जैसे दबाएंगे फिर ये लेना है गीता प्रेजेंट, एक मोहन प्रेजेंट, एक राम अब्सेंट, सॉरी पहले प्रेजेंट वाला क्लियर कर लेते हैं, प्रेजेंट एक, फिर राम के बाद हम लोग ले लेते सीता, ये जो है आज नहीं आई है तो हम इसको ले लेते हैं अब्सेंट एक, उसके बाद सृष्टि, सृष्टि आई है तो इसको ले लेते हैं प्रेजेंट एक। अब प्रेजेंट जो किया वही ओवर टाइम कर सकता है, प्रेजेंट जो किया है वही ओवर टाइम कर सकता है, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे जो प्रेजेंट अब ओवर टाइम कर रहे हैं, जैसे गीता कर रहे तो गीता का ले लेंगे, और नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटा कर लिए तो 2 घंटा एक्सेप्ट कर ले। ये बन गया 1 तारीख का अटेंडेंस, अब F2 करके 2 तारीख कर लेंगे, 2 तारीख जैसे करते हैं फिर से आपको अटेंडेंस बनाना है, गीता आज भी आई है कल भी आई थी तो और एक लिखेंगे, और जैसे लिखेंगे तो फिर 2 हो जाएगा, फिर सिंपल आपको यहाँ पर लेना है प्रेजेंट, फिर एक लिखिएगा फिर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ आइएगा ये यदि नहीं आई है आज भी तो ऑप्शन ले लेंगे, एक लिख लेंगे, चौथा आया है तो क्या करेंगे प्रेजेंट करेंगे, फिर एक करेंगे, फिर अगला आदमी को ले लेंगे। अब जो आया वो ओवरटाइम कर सकते हैं, जैसे गीता आज भी ओवरटाइम कर ली तो ओवरटाइम ले लेंगे 1 घंटा एक्सेप्ट, फिर ऐसे ही F2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर बैक स्पेस इंटर करेंगे, फिर से वही बनाएंगे प्रेजेंट प्रेजेंट देखिए आपको क्या करना है, सिंपल इसी टाइप से आपको बनाते जाना है पूरा पूरी 1 महीना का, अब हम 1 महीना नहीं बनाने जाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको समझना होगा कि ये जो अटेंडेंस बनता है वो एक एक दिन करके 1 महीना का बनता है, तो आप सिंपल 1 महीना का बना लीजिएगा, एक्सेप्ट करते। अब हम लोग मान के चलते कि 1 महीना बन गया है, अब हम लोग को सिंपल क्या करना है, इसको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ F4 और अल्ट के साथ है, पूरा डिटेल्स लेने के लिए, पूरा डिटेल्स जैसे लीजिएगा तो आपको यहाँ पर मंथ डालना होगा कौन सा मंथ में है, तो 1/4/23 से 30/4/23 तक ले ले, बच्चा कहाँ पर है तो बुंडो में है, कौन सा बच्चा का आप पेमेंट करने वाले, राम को कि सीता को, तो राम को करने वाले, केस में करने वाले कि बैंक में करने वाले, तो जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। इसका बेसिक सैलरी जैसे आप 7,000-8,000 जो भी बोले होंगे वो आप डाल दीजिएगा, इसका इसको सिंपल एक्सेप्ट करना है। इसी टाइप का अगला करना है अल्ट के साथ F4, फिर लेना है सीता का ले लेते हैं
फिर अगला लेंगे अल्ट के साथ F4, दिल्ली मोहन, फिर एल्ड के साथ F4, रांची सृष्टि केनरा बैंक एंटर 9000 एक्सेप्ट, फिर एल्ड, फिर आपको ले लेना टाटा। ये आपको सिंपल ले लेना है, जैसे लेते हैं एक्सेप्ट करते हैं तो ये कंपनी मतलब कंप्लीट हो जाता है। इसका देखने का प्रोसेस क्या होता है, बैंक आएंगे, बैंक आने के बाद आपको जाना है सिंपल डिस्प्ले में, डिस्प्ले जाने के बाद अकाउंट बुक जाना है, सॉरी डिस्प्ले जाने के बाद आपको जाना है पेरोल रिपोर्ट। यहाँ चाहते तो आप अटेंडेंस भी देख सकते हैं, बाकी पेरोल स्टेटमेंट ऑफ पेरोल जाएंगे, पे स्लिप जाएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा पेमेंट के बारे में, ठीक है। तो पे स्लिप जाते हैं, इसका जिसका भी देखना है उसमें जाके एंटर करेंगे। तो यहाँ पर समझ में आएगा ये ओवर टाइम 5 घंटा किया है, परजेंट जो है वो 3 दिन आया, कितना सैलरी बन रहा है 20,200 में कितना कट रहा है 1500 रुपया कट रहा है, उसको मिल कितना रहा है तो 18,700 रुपया। यहाँ पर उसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगा वो आपको दिखाई देगा। इसके बाद और क्या देखना है, कौन कौन सा दिन आया है, तो यहाँ पर जाके जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है 1/4/23 को आया था, 2/4/23 को आया था, 3/4/23 को आया था, ऐसे सब आदमी का हम लोग देख सकते हैं एंटर करके। ये 3 दिन परजेंट किया, कौन कौन सा दिन किया है देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, 1/4 को किया है, 2/4 को, 3/4 को, इसी टाइप का यहाँ पर जाके इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक दिन ऑप्शन भी किया, कौन दिन किया इंटर करिएगा तो यहाँ पर बता देगा 2/4 को ये नहीं आया था, ठीक है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग सैलरी देते हैं एम्प्लॉय को। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।